सरकार में इन्होंने 35% एमएलए एमपी को टिकट दे रखा है। सबसे पहले चूली उन्हीं को चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये कोई कानून नहीं लागू करने वाले हैं। और हम लड़कियां अब अपनी सुरक्षा में हथियार उठाएंगी। क्या पता कल उसके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो जाए। वो एनिमल्स की डॉक्टर थी और क्या पता था कि इंसानी जानवर के उसका रेप करके उसको जला दे। आरी तो कि आने वाले कोई भी ऐसा लड़का ये सोचने से घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। हम लोग भूखे हैं, हम लोग अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। हमें संविधान में संशोधन चाहिए। ये जो कानून है, आप 2012 में भी कानून बदली गई थी, लेकिन वो आरोपी आज भी जिंदा हैं जिनके नाम पे कानून बदली गई थी। वो सरकारी दामाद बनके अभी भी हमारे टैक्स के पैसे के खाना खा रहे हैं। भारत में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड के बाद पूरा देश जला था और ऐसा लगा था कि शायद ऐसी मानसिकता वाले लोग अब जन्म नहीं लेंगे। लेकिन बीते दिनों फिर से के रूप में वही मंजर सामने आया। इसके न्याय को लेकर ये पटना का कारगिल चौक है, जहां पर छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे यहां के मौजूद छात्र से, कब से बैठे हुए हैं आप यहां? 5वां दिन चालू होगा शाम से। आपने कुछ खाया? कुछ नहीं, ना खाना ना पानी, यहाँ सारे लोग वैसे ही बैठे हैं। और आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं? हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हम जस्टिस के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमें संविधान में संशोधन चाहिए। ये जो कानून है, आप 2012 में भी कानून बदली गई थी, लेकिन वो आरोपी आज भी जिंदा हैं जिनके नाम पे कानून बदली गई थी। वो सरकारी दामाद बनके अभी भी हमारे टैक्स के पैसे के खाना खा रहे हैं और उनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो पुलिस वालों की सैलरी भी जा रही है, उनके खाने के भी खर्चे चल रहे हैं, और कहने को उन्होंने गुनाह किया था तो वो कहने को ही गुनाह था, दिखता तो नहीं है कि वो गुनाह था। कब तक लड़ेंगे आप? सुने प्रेशर डाला जा रहा है आपको हटाने के लिए यहाँ से। हमारे पास हर 10 मिनट 15 मिनट पे एक मीडिया से, अगर जैसे अभी भीड़ घूम रही हुई है तो अभी आपको कोई नहीं दिखेंगे। कभी पुलिस वाले आ रहे हैं, कभी कंट्रोल रूम से आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। हमें हटाने के लिए तरह तरह से लोग प्रेशर बनाए जा रहे हैं। भाई आप ठीक हो? 5 दिन से हम लोग भूखे हैं, हम लोग अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। सुनने वाला समझने वाला हमारी सरकार में कोई नहीं है। पुलिस यहाँ तंग कर रही है हमारे भैया को कि हटा जाए। कोई ये नहीं पूछने आ रहा है कि आपकी मांग क्या है, आपने कितने दिन से अनशन पर हैं। हमारा पता नहीं सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोग का सिस्टम फेल हो रहा है। ऐसा सरकार से ही अनुरोध है कि आए दिन इस तरह का जो घटना होती है, इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान निकालना पड़ेगा। आप रातों रात सारा सिस्टम अपने लिए लागू कर लेते हैं, मगर इस तरह के सिस्टम को लाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं अभी तक? मैं हर युवा से चाहता हूं कि जहां भी हो इस तरह का भूख हड़ताल अनशन करें, कि सरकार को ये मैसेज जाए कि हमारे देश में ऐसा संविधान लागू हो, पारित हो, कि आने वाले कोई भी ऐसा लड़का ये सोचने से घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं किसी महिला को गंदी नजर से देखने से पहले सोचे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों से कि जिस तरह से संविधान में लाने के लिए लड़के आगे आ रहे हैं, हर महिला हर औरत घर से निकले और हम लोग का साथ दे विराट भैया का, पटना की सभी युवाओं से युवतियों से मैं कहना चाहूंगा कि आए कारगिल चौक पर और घोर घोर प्रदर्शन करें। देखिए सरकार किस कारण बेबस है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इस देश की विडंबना देखिए कि ट्रैफिक नियम में जो है इतना जो है कि नियम बनाकर और देश के युवा को लोगों को परेशान किया जाता था, लेकिन आज देश की प्रतिष्ठा की बात है, देश की बेटी का बात है। एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि लगातार बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, लगातार जो है कि कानून व्यवस्था को जो है कि मजबूत करने के बजाय जो है निरंकुश बना दिया गया है। और इस कानून व्यवस्था में संशोधन करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और सरकार इस पे चुप्पी साधी हुई है। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं और क्यों लड़ रहे हैं? क्यों भूखे प्यासे 5 दिन से बैठे हुए हैं? सरकार क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा कानून तय कर पाती है? देख सकते हैं आप हमारे पीछे किस तरह से छात्र आए एक चेन बनाकर खड़ी है, लगातार इनके मुंह से आवाजें आ रही है, वी वॉन्ट जस्टिस। कब मिलेगा इसको न्याय?
इनको कब ऐसी आज़ादी मिलेगी कि ये कभी भी अपने घर से निसंकोच निकल सकती है, कब ऐसा माहौल मिलेगा जो विकृत मानसिकता वाले दरिंदे इनको नोचना बंद करेंगे। आइए हम जानते हैं छात्राओं से कब तक इनका गुस्सा सरकार शांत करती है और क्यों सरकार लगातार, क्यों पटना की प्रशासन लगातार इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, क्यों क्यों आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस? क्योंकि इनको पता है कि हम लोग अगर हट जाएंगे तो आवाज़ कम हो जाएगा और जबकि हम कम करेंगे नहीं। क्या पता कल उसके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो जाए। वो एनिमल्स की डॉक्टर थी और क्या पता था कि इंसानी जानवर के उसका रेप करके उसको जला दे। कौन इनको सुरक्षा देगा? बिहार के अंदर जल रही इन लड़कियों का गुस्सा कौन संभालने आएगा? मैम लगातार प्रोटेस्ट, देखिए हम तो इनके समर्थन में आए, ये लोग अमर अनशन में पिछले 5 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी जनता, हमारा प्रशासन और हमारी सरकार सब संवेदनाहीन हो चुकी है, जिसे कोई मतलब नहीं है बेटी मरे जले दोबारा ये घटना बिहार में दोहरा दी गई। आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इनके सरकार में इन्होंने 35% MLA MP को टिकट दे रखा है, सबसे पहले सूली उन्हीं को चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये कोई कानून नहीं लागू करने वाले हैं। और हम लड़कियां अब अपनी सुरक्षा में हथियार उठाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं बचा। आज हम एक तरीका, एक विकल्प खोजें मानव श्रृंखला बनाकर मैसेज देने की, ताकि लोग आगे आएं और शायद कोई कानून पारित हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है इनसे। कर रहे हैं हम लोग खुद अपने घर में, अपने शहर में सेफ नहीं, अपनी बहन और अपनी मतलब घर की लेडीज को बाहर भेजने से पहले उनसे इंक्वायरी करना पड़ता है इस डर के कारण, कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, वहाँ अगर गए तो पहुँची कि नहीं पहुँची, वहाँ से लौटी कि नहीं। हम लोग दिन रात मतलब खौफ में ही जीते हैं। अपराधियों का इतना मन भर चुका है, मनचलों का इतना मन भर चुका है, वो कभी भी किसी को मतलब किसी लड़की या किसी लेडीज को मतलब प्रताड़ित कर सकते हैं। 2012 निर्भया, फिर आज उसके बाद बिहार में एक नवविवाहिता को फिर से जला दिया जाता है। कब तक जलते रहोगे, कब तक जलाते रहेंगे ये विकृत मानसिकता वाले? सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हम बने रहेंगे लगातार इनके आमरण अनशन के साथ, रिपब्लिकन न्यूज आपको दिखाती रहेगी यहाँ के अपडेट्स। सहयोगी शुभम कुमार के साथ मैं तनुज मासूम, रिपब्लिकन न्यूज पटना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।